आज बनाएंगे हम धांस के पापड़ का चीला। ये मेरे पास धांस के पापड़ है, चार पापड़ लिए। अब इनके ना टुकड़े कर लेंगे, अच्छे से तीन चार टुकड़े कर लेंगे। इसको पानी में डाल देंगे, पानी में हल्का सा फुला लेंगे। अब इसे हमें ना मिक्सर में डाल के अच्छा सा पीस लेंगे पानी डाल के। अब ये धांस के पापड़ का अच्छा सा घोल हो गया। अब मैंने पैन चढ़ाया, उसमें हम किलो पानी की छीटा डाला है, इसमें हम धांस के पापड़ का घोल डाला है और इसको अच्छे से सेकेंगे। ये बहुत अच्छा चीला बनता है और ये मैंने पलट दिया है, आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा बना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और फटाफट बन जाने वाला है। मैंने एक बना लिया, ये मैंने दूसरा भी बना लिया। धांस के पापड़ के चीले ये नाश्ते में सुबह शाम खाने से बहुत ही चाय के साथ बहुत स्वादिष्ट बनता है। और बारिश के सीजन में आप इसको बना के खाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और एकदम क्रंची और मुलायम बनता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।